दुनिया में पहला व्यवहारिक रूप से सफलता पैराशूट बनाने का श्रेय फ्रांसीसी नागरिक लुई सेवास्तियन लोनोर्मा को जाता है, जिन्होंने वर्ष 1783 में इसका पहली बार सार्वजनिक प्रदर्शन किया था। हालांकि 15वीं सदी के दौरान लियोनार्डो दा विंची ने सबसे पहले पैराशूट की कल्पना करते हुए इसका रेखाचित्र भी तैयार किया था। दा विंची की इस डिजाइन से प्रेरणा लेकर फास्ट फ्रांसिस ने वर्ष 1317 में एक सख्त फ्रेम वाला पैराशूट पहनकर वेनिस टावर से छलांग लगाई। हालांकि आपातकाल में पैराशूट के इस्तेमाल का पहला प्रयोग 1765 में फ्रांसीसी नागरिक जया पियरे ब्लांचार्ड ने किया था, जिन्होंने ऊंचाई पर तैर रहे एक हॉट एयर बलून से एक कुत्ते को पैराशूट बंदी टोकरी के जरिए नीचे गिराया था। ब्लांचार्ड ने ही पहली बार सिल्क के कपड़े से तय करने लायक पैराशूट तैयार किया था। इसे इस्तेमाल करना भी आसान था। 1797 में फ्रांस के आंद्रे गार्नेरिन ने पहली बार इसी तरह के पैराशूट के जरिए सफल जंप को अंजाम दिया था। गार्नेरिन ने कंपन कम करने की इरादे से इसमें कुछ और सुधार किया और इस तरह पहला पैराशूट अस्तित्व में आया।